कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंड के 28 पंचायतों में मतदान बुधवार सुबह 7 बजे से 8वें चरण के पंचायत चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है। पंचायती राज के अंतर्गत जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच सदस्य के पदों के लिए 386 बूथों पर वोट शाम 5 बजे तक पड़ेंगे। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। बूथों पर सुरक्षा कड़ी की गई है। बूथों पर मतदाताओं के आने की सिलसिला शुरू हो गई। मतदाता अपने अपने घर से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचने लगे। महिला एवं पुरुष व बुजुर्गों की भीड़ धीरे धीरे मतदान केंद्र पर उमड़ पड़ी। उक्त बूथ पर कार्यरत पुलिस बल के जवान के द्वारा भीड़ को नियंत्रित करते हुए मतदाताओं को कतारबद्ध लगाते हुए युक्त मतदान केंद्र के बूथ संख्या 334 पर दिव्यांग महिला कुलसुम खातून पंचायती राज महापर्व को मद्देनजर रखते हुए अपना मत को दान करने को लेकर वोट डालने बूथ 334 पर एवं बूथ संख्या 129 में मोहम्मद गनोड़ी अंसारी उम्र 85 वर्ष अपने मत डालने अपने पोते के साथ साइकिल के सहारे मतदान केंद्र बूथ संख्या 129 पर पहुंचे और अपना बहुमूल्य वोट को दान करते नजर आए। आए हम उनसे जानते हैं कि किस मुद्दों को लेकर वोट डालने आए हैं। कहाँ आए हैं? यहाँ वोट देने के लिए। अच्छा, क्या नाम हुआ? कुलसुम खातून। क्या नाम हुआ? गनोड़ी अंसारी। कहाँ आए थे चाचा? वोट देने आए थे। कौन गांव है ये? खनगम्मा। क्या मनसा से वोट देने आए चाचा? ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www